नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में हुई सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में। 1 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MS370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना था बीजिंग और इसमें 230 पैसेंजर्स के साथ 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट थे। लेकिन यह प्लेन टेक ऑफ तो हुआ और कुछ समय तक हवा में नॉर्मली उड़ता रहा, लेकिन उसके बाद मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MS370 अचानक से गायब हो जाती है और यह घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। यह उस प्लेन के पायलट से सुने गए आखिरी शब्द थे। MS370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद जब वियतनामी एयर स्पेस में पहुंचता है तो उसके सिर्फ 30 सेकंड बाद ही यह प्लेन ATC के रडार से गायब हो जाता है। इस समय टाइम हो रहा था रात के 1:21। वियतनाम में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले लोग थे वो यह देखते हैं कि MS370 उनकी एयर स्पेस में आया है, लेकिन अचानक से रडार से गायब हो जाता है। वो प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। बार बार कोशिश करने के बाद भी MS370 से कोई कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुआलालंपुर को बता देते हैं कि MS370 अचानक से गायब हो चुका है। सुबह के 6:30, यह वो टाइम था जब इस प्लेन को बीजिंग एयरपोर्ट लैंड हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई लैंडिंग होती ही नहीं है। इसके तुरंत बाद एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। यह प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, बीच में वियतनाम और चाइना सी आता है। सर्च ऑपरेशन में इस प्लेन को साउथ चाइना सी में ढूंढने की कोशिश की जाती है। 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग देशों में फ्लाइट MS370 को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन प्लेन के गायब होने के 4 दिन बाद एक न्यूज़ सामने आती है कि यह प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब जरूर हुआ था, लेकिन उसी रात एक मिलिट्री रडार ने उसे स्पॉट किया था। और हैरान होने वाली बात यह है कि इस मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग इस प्लेन की लोकेशन साउथ चाइना सी नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास थी, और यह लोकेशन बीजिंग से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थी। लेकिन दोस्तों, अब भी उस प्लेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर प्लेन गया तो गया कहाँ। कजाकिस्तान से लेकर चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, इस पूरे सर्कल में MS370 कहीं भी हो सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स को अगले कुछ दिनों में एक और सबूत मिलता है। उससे यह पता लगता है कि इस प्लेन ने एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़े एयरप्लेन्स अक्सर अपने कम्युनिकेशन को और आसान बनाने के लिए सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं। अब इससे इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन की एस्टिमेट लोकेशन का पता लगा सकते थे, मतलब वो आखिरी पॉइंट जहां यह प्लेन गया होगा। इस मैप में आप यह देख सकते हैं कि जिस सैटेलाइट की लोकेशन की जानकारी के आधार पर सबसे बाहर का येलो डॉटेड सर्कल, यह वो रेंज है जहां तक यह प्लेन ट्रेवल कर सकता था उसमें मौजूद फ्यूल से। दोस्तों, लगातार सर्च करने के बाद भी MS370 का कुछ पता नहीं चला। अब यह मान लिया गया था कि उस प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और पायलट में से कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। अब प्लेन के मलबे को ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर खोज की जाने लगी। दोस्तों, अब शुरुआत हुई दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले सर्च ऑपरेशन की। हफ्तों, महीनों, सालों तक यह इस प्लेन की तलाश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 सालों तक $160 मिलियन खर्च करने के बाद MS370 को ढूंढने का ऑपरेशन फाइनली बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बीच में यह खबर आई कि जुलाई 2015 में इस प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला। इस घटना के बाद कुछ थ्योरी सामने आई कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ होगा, जिसमें से पहली थ्योरी यह थी कि अगर प्लेन रडार से गायब हुआ तो क्या प्लेन के अंदर कोई टेक्निकल फेलियर हुआ था, या फिर किसी पैसेंजर या पायलट ने जानबूझकर उस प्लेन का कम्युनिकेशन काट दिया था। दोस्तों, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहला शक प्लेन के सीनियर पायलट कैप्टन जाहिरी अहमद शाह पर किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि इस प्लेन के पायलट कैप्टन शाह का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स यह कहती है कि यह एक हाईजैकिंग की घटना थी। अब इसमें एक सवाल उठता है कि आखिर जाहिरी शाह पर ही क्यों शक किया जा रहा था। दोस्तों, इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार पहला पॉइंट यह था कि MS370 ने वियतनाम से वापस मलेशिया के लिए जो 180 डिग्री का टर्न लिया था वह ऑटो पायलट पर पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा टर्न पायलट द्वारा सिर्फ मैनुअली ही लिया जा सकता था, पर ऑफिशियली इस थ्योरी को नहीं माना गया, क्योंकि जाहिरी शाह की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला वह बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे, ना ही इनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी।
और ना ही कोई पर्सनल, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और पास में भी इनका बिहेवियर सबसे अच्छा था, तो कोई रीज़न ही नहीं था कि इन पर शक किया जा सके। दोस्तों दूसरी थ्योरी यह थी कि प्लेन में कुछ हाईजैकर्स या टेररिस्ट मौजूद थे जिन्होंने प्लेन को क्रैश कराया होगा। जब यह थ्योरी सामने आई तब प्लेन में मौजूद दो पैसेंजर्स पर शक किया गया, पूरिया नूर मोहम्मद और सैयद मोहम्मद दिलावर। यह दोनों पैसेंजर्स ईरानियन थे और यह दोनों फेक पासपोर्ट्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे। एक के पास एक इटालियन बंदे से चुराया गया पासपोर्ट था और दूसरे के पास एक ऑस्ट्रियन बंदे का चुराया गया पासपोर्ट था। यह दोनों पासपोर्ट्स थाईलैंड में चुराए गए थे। यह दोनों लोग इन चुराए गए पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करके यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते थे। पहले इन्होंने बीजिंग तक की फ़्लाइट ली और फिर वहाँ से यूरोप के लिए फ़्लाइट लेने वाले थे, लेकिन यह थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि चुराए गए पासपोर्ट्स के अलावा कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे यह साबित किया जा सके कि यह दोनों पैसेंजर्स टेररिस्ट थे। यह बस यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते थे। दोस्तों अब आती है थ्योरी नंबर 3, जो इस घटना के सबसे करीब है। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जो MS-370 में मौजूद थे वह सभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए और वह प्लेन ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा कि जब तक उसमें फ्यूल ना खत्म हो गया और अंत में प्लेन समुद्र में जाकर क्रैश हो गया। अब इस प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हुई कैसे होगी? कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन के कॉकपिट में आग लग गई होगी और कुछ लोग यह मानते हैं कि प्लेन में टेक्निकल इक्विपमेंट में खराबी के चलते यह हुआ होगा। दोस्तों अब आखिर में जो कहानी सामने आई उससे यह संभावना बनती है कि यह प्लेन जब वियतनाम एयर स्पेस में गया तब इस प्लेन में टेक्निकल एरर की वजह से पायलट ने इसे 180 डिग्री का टर्न लिया प्लेन को वापस मलेशिया ले जाने के लिए, लेकिन किसी घटना की वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई और प्लेन में मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। प्लेन अपने आप ऑटो पायलट पर उड़ता रहा, फिर मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हो गया। दोस्तों रिसर्चर रिचर्ड गॉडफ्रे यह क्लेम करते हैं कि वह इस प्लेन के क्रैश होने का राज जान चुके हैं। कुछ रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग MS-370 सेवेंथ आर्क के ऊपर ही है और 4 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। दोस्तों आज तक इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इन सारी थ्योरीज के बीच विक्टिम्स की फैमिलीज अपनों के बारे में जानने के लिए परेशान है। सालों से हो रही इन्वेस्टिगेशन और मीडिया की मिसगाइड करने वाली रिपोर्ट्स और साथ ही इस फ्लाइट MS-370 के क्रैश से जुड़ी थ्योरीज की वजह से आज तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। फ्लाइट MS-370 की यह अनसॉल्व मिस्ट्री शायद कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी रियल स्टोरीज जानने के लिए अपने चैनल यू डोंट नो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।